नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा के स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के प्रधान सचिव टेली मेडिसिन का शुभारंभ किया और इसी के साथ 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी किया। देखिए, दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जिला स्कूल के परीक्षा भवन के दूसरे तल पर नव स्थापित टेली मेडिसिन सेंटर का शुभारंभ स्वयं कोविड 19 के 3 मरीजों के साथ वार्ता कर किया गया। कोविड 19 के होम क्वारंटीन मरीज सतेंद्र और नीरज ने बताया कि कोरोना की जाँच में वे पॉजिटिव आए हैं और होम क्वारंटीन में है। उनकी तबीयत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें दवा का किट्स दिया गया है और स्वास्थ्य कर्मी भी हालचाल पूछने आते रहते हैं। प्रधान सचिव ने पूछा कि घर में और भी कोई पॉजिटिव है, तो नीरज ने बताया कि उनके पिताजी भी पॉजिटिव है, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक है और वे भी होम क्वारंटीन में हैं। इसके उपरांत परीक्षा भवन के तीसरे तल पर नव स्थापित 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के 2 आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन क्रमशः फीता काट कर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार और आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के करकमलों से किया गया। उद्घाटन के उपरांत प्रधान सचिव ने हेल्थ सेंटर में लगाए गए बेड ऑक्सीजन सिलेंडर का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि दोनों आइसोलेशन वार्ड में कुल 100 बेड लगाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा दी गई है। यहां कोरोना मरीज को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। तो देखने के लिए गया था, कुछ कोविड पेशेंट से भी भेंट हुई। लगातार हम लोगों की कोशिश है कि बिहार राज्य के जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उसमें सुविधा बेहतर हो। मैं एक ही ज़रूर कहूँगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ के जो हालात और जो मैंने सिचुएशन देखा है, कई इंस्ट्रक्शंस आज दिए गए हैं। पहले भी 3 दिन पहले भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में यहाँ के प्राचार्य महोदय को और एक्टिंग सुपरिटेंडेंट को बताया था कि क्या क्या काम करना है, ताकि जो मरीज जो भी आए, उनके परिजन आए, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं। यहाँ पर उसकी कमी है और सुधार हेतु कुछ बिंदु उनको बताया गया है जिस पर इमीडिएटली काम करना है उनको, और मैंने इसे 2 या 3 दिन का समय इनको और दिया है और इसकी मॉनिटरिंग होगी। आयुक्त महोदय को मैंने कहा है, जिला पदाधिकारी भी मेरे साथ थे भीतर, सचिव स्वास्थ्य विभाग भी थे, तो स्थिति में बहुत कम समय में सुधार लाना होगा और ये हमारी प्राथमिकता है। अभी कोरोना को लेकर DMCH में स्थिति में सुधार दिखनी चाहिए बहुत जल्दी। सर, डॉक्टरों की भारी कमी है, ये हर कोई कहता है, आप भी कह रहे हैं। मैं भी डॉक्टर्स की कमी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बुनियादी सुविधा की बात कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं वो एक दूसरी समस्या है, पूरे बिहार में समस्या है। तो उस समस्या का समाधान यथासंभव जो होता है वो प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन इसके चलते आप कोरोना के मरीजों को, उनके अटेंडेंट्स को बुनियादी सुविधा न दें, ये उचित नहीं है और इसको लेके हम लोग गंभीर हैं। तो आज का यही पर्पस था। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी।
महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।